नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था कॉलेज की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान हम वाटर रिलेशन टू प्लांट सेल्स को स्टडी कर रहे थे। वहां पर हमने इम्बाइबिशन या अंतः शोषण को स्टडी कर लिया था। अब जो हमारा इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है डिफ्यूजन या विसरण। अब जो डिफ्यूजन होता है, यह टॉपिक आप सभी के द्वारा पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन होता क्या है? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के अणुओं का, कोई भी पदार्थ हो सकता है, चाहे वह गैस हो या ठोस हो या द्रव हो, तो किसी भी पदार्थ के अणुओं का उसकी उच्च सांद्रता से, उसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गमन ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। और विसरण तब तक होता रहता है जब तक कि जो डिफ्यूज होने वाला जो पदार्थ है, मतलब जिस पदार्थ का विसरण हो रहा है, वह पदार्थ उपलब्ध फ्री स्पेस में समान मात्रा में वितरित नहीं हो जाता। जैसे आपने कमरे में अगरबत्ती जलाई, कोई भी अगरबत्ती जला दी आपने कमरे में, तो अगरबत्ती की जो खुशबू है वह अगरबत्ती से जब तक डिफ्यूज होती रहेगी, जब तक कि उसको जितना भी स्पेस उपलब्ध हो रहा है वह उसमें नहीं फैल जाती। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ के अणुओं का, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन ही विसरण कहलाता है। और विसरित होने वाले पदार्थ में जो ये गमन होता है, ये तब तक होता रहता है जब तक कि उपलब्ध फ्री स्पेस में वह समान रूप से वितरित नहीं हो जाते, अर्थात माध्यमों के बीच में साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाती। क्या स्थापित नहीं हो जाती? साम्य अवस्था। तो देखना इसकी डेफिनेशन आप, ठोस द्रव तथा गैस के मॉलिक्यूल्स का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और डिफ्यूज होने वाले पदार्थ के अणुओं में यह गति स्वतंत्र रूप से होती रहती है जब तक कि यह मॉलिक्यूल्स फ्री स्पेस में समान रूप से वितरित नहीं हो जाती, अर्थात माध्यमों के बीच में साम्यावस्था स्थापित होने तक डिफ्यूजन जारी रहता है। और आपने थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी का सेकंड नियम तो पढ़ा ही होगा। उसके अनुसार वह क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ के अणुओं की गति उसके उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर होती है। कोई भी पदार्थ हो, उसके जो अणु होते हैं वह हमेशा ही उसके उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गमन होते रहते हैं। ये किसके नियम के अनुसार है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार। और पदार्थ के अणुओं की जो यह गति है, यह उसकी संख्या और उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निर्भर करती है कि उन अणुओं की संख्या कितनी है और उन्होंने कितना क्षेत्रफल कवर किया हुआ है, तो इसके ऊपर भी डिफ्यूजन डिपेंड करता है। और पदार्थ के अणुओं की जो यह गति है, यह उसके रासायनिक विभव कहलाती है या केमिकल पोटेंशियल कहलाती है। और किसी भी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स है उनका डिफ्यूजन उन मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी अथवा उनके रासायनिक विभव पर निर्भर करता है कि उन मॉलिक्यूल्स के पास फ्री एनर्जी कितनी है और उनका जो रासायनिक विभव है या उनका जो केमिकल पोटेंशियल कितना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है वह है मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वह उनकी उच्च सांद्रता प्रवणता से निम्न सांद्रता प्रवणता की ओर होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है या उनका जो गमन है वह उसकी उच्च सांद्रता
प्रवणता से, मतलब हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर होता है। इस प्रकार जो डिफ्यूजन होता है वह तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि उपलब्ध फ्री स्पेस में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या जो सांद्रता प्रवणता है वह समाप्त नहीं हो जाती। और जब सांद्रता प्रवणता समाप्त हो जाती है तो वह अवस्था किसको रिप्रेजेंट करती है? इक्विलिब्रियम को दर्शाती है या साम्य अवस्था को दर्शाती है, जिसके स्थापित होने पर भी मॉलिक्यूल्स की गति होती रहती है। मतलब अगर साम्य अवस्था स्थापित हो गई है, मतलब उपलब्ध फ्री स्पेस में या एक माध्यम जहाँ से किसी भी पदार्थ के अणु डिफ्यूज हो रहे हैं और दूसरे माध्यम जहाँ पर वो अणु जा रहे हैं, अगर दोनों ही माध्यमों की साम्य अवस्था, दोनों ही माध्यमों में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तब भी मॉलिक्यूल्स की गति होती रहती है और जो सभी दिशाओं में समान रूप से होती हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इधर उधर गमन करते रहते हैं। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस से उस माध्यम से इस माध्यम में आ जाते हैं। अर्थात डिफ्यूजन में साम्य अवस्था स्थापित होने पर होने वाला जो नेट मूवमेंट होता है उसका मान कितना होता है? शून्य होता है। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है इसमें, किसी भी सिस्टम में डिफ्यूज होने वाले जो एक से अधिक जो पदार्थ है उनका डिफ्यूजन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और इसे ही क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन या स्वतंत्र विसरण कहा जाता है। मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें डिफ्यूज होने वाले जो एक से अधिक पदार्थ है, जैसे आप एक ही कमरे में विभिन्न पदार्थ रख दीजिए, जैसे एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, एक मोमबत्ती रख दीजिए या फिर कोई सेंट वेंट की बोतल रख दीजिए, तो उनसे होने वाले, उन पदार्थों से होने वाला जो डिफ्यूजन है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन या स्वतंत्र विसरण कहा जाता है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्या अवशोषित करते हैं? CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 को बाह्य एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। उसी प्रकार जब रेस्पायरेशन होता है तो वह CO2 को बाहर की ओर छोड़ते हैं और O2 को लेने का कार्य करते हैं। तो जो CO2 O2 का जो एक्सचेंज किया जा रहा है यह डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ही किया जा रहा है, परंतु प्रकाश संश्लेषण और शोषण में जो ये डिफ्यूजन हो रहा है यह स्वतंत्र रूप से होता है या इंडिपेंडेंट रूप से होता है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, इसे ही इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन से रिलेटेड वह है डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब। अगर हम डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें तो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स या आयन की डिफ्यूज या विस्तृत होने की प्रवृत्ति के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला दाब है वही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब कहलाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है वह किस प्रवृत्ति से डिफ्यूज हो रहा है या विस्तृत हो रहा है तो उसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा बाहर की ओर उसे ही क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब कहेंगे। और जो डिफ्यूजन प्रेशर का मान होता है वह मॉलिक्यूल्स की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है कि मॉलिक्यूल्स की सांद्रता या उस पदार्थ के मॉलिक्यूल की सांद्रता कितनी है या उसके समानुपाती होता है। अगर मॉलिक्यूल्स की सांद्रता कम होगी तो डिफ्यूजन प्रेशर का मान भी कम होगा, अगर ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन प्रेशर का मान भी ज़्यादा होगा। और अतः मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन होता है वह उसकी उच्च डिफ्यूजन प्रेशर से निम्न डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब, मतलब उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होता है। जैसे मान लिया जाए अगर आप किसी एक क्षेत्र की बात करो, उसके एक क्षेत्र के दो बिंदुओं पर एक ही पदार्थ के अणुओं की सांद्रता भिन्न भिन्न है। जैसे कोई एक पदार्थ है कपूर,
कोई जैसे ये कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पर कपूर की जो सांद्रता है या कपूर के मॉलिक्यूल्स की सांद्रता है ये ज़्यादा है, और जो इसी क्षेत्र में जो दूसरा बिंदु है वहाँ पर कम है, और इनका जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट या विसरण दाब प्रवणता। अगर विसरण दाब प्रवणता में अंतर कम है तो विसरण की जो गति होगी या विसरण की जो दर होगी वह कम होगी, अगर अंतर इनमें ज़्यादा है तो विसरण दाब है वह भी ज़्यादा होगा या विसरण की जो दर है वह भी ज़्यादा होगी। तो जो मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजन होता है वह उच्च विसरण दाब से निम्न विसरण दाब की ओर होता है, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कितना है किसी एक क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसका जो फर्स्ट कारक है वह है टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान पर जो विसरण की जो दर होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उच्च तापमान है वह डिफ्यूजन को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि उच्च ताप पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इस कारण जो विसरण की जो दर होती है वह भी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर लैंग्वेज में भी यही लिखा हुआ है, उच्च तापमान डिफ्यूजन को पॉजिटिवली रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें भी वृद्धि होती है। अब जो सेकंड फैक्टर है वह है डेंसिटी या घनत्व। तो किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन रेट होती है वह उसके आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन रेट होती है वह उसके आपेक्षिक घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो ठोस का जो विसरण होता है वह किससे कम होता है, द्रव से कम होता है, और द्रव का जो विसरण होता है वह किससे कम होता है, गैस से कम होता है। मतलब गैस में सबसे ज़्यादा विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके बाद द्रवों में और उसके बाद ठोस में। तो अगर किसी भी पदार्थ के हम विसरण की बात करें तो विसरण किसके ऊपर डिपेंड करता है, घनत्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब विसरण की दर उस पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे किसी भी पदार्थ का घनत्व है उस पदार्थ का विसरण क्या होगा, अगर उसका जो घनत्व है वह काफ़ी ज़्यादा है तो जो विसरण की जो दर होगी वह काफ़ी कम होगी, अगर घनत्व कम है तो विसरण की दर बढ़ती चली जाएगी। तो किसी भी पदार्थ की जो विसरण की दर होती है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अतः ठोस की अपेक्षा द्रव की अपेक्षा गैस का जो विसरण होता है वह तीव्रता से होता है। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वह है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। जो अगला फैक्टर है वह है कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या होता है, यदि किसी माध्यम में सांद्रता अधिक है तो वह और अधिक मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन का विरोध करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई माध्यम है और इस माध्यम में डिफ्यूजन की या विसरण की प्रोसेस हो रही है, अगर यह माध्यम ठोस प्रकृति का है तो इसमें डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा। अगर माध्यम को हम द्रव कर दें तो थोड़ा बहुत स्पेस मिल सकता है, मतलब मॉलिक्यूल्स की विसरण की प्रोसेस के दौरान मूवमेंट हो सकती है। अगर माध्यम गैसीय है तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो माध्यम की सांद्रता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन की रेट या उसकी दर क्या होगी। तो यहाँ पर लैंग्वेज में यही है, यदि किसी माध्यम में सांद्रता अधिक है तो वह और अधिक मॉलिक्यूल्स के विसरण का विरोध करती है, जबकि जो विरल माध्यम होता है या जिस माध्यम में
डिफ्यूजन हो रहा है वह माध्यम काफ़ी विरल प्रकृति का है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन तीव्रता से होता है। इसी कारण ठोस द्रव तथा गैसीय माध्यम में से जो ठोस द्रव तथा गैसों में से जो गैसीय माध्यम है वह फास्ट डिफ्यूजन या काफ़ी तेज डिफ्यूजन प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट से वह है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब किसी एक क्षेत्र में दो बिंदुओं पर जो पदार्थ की जो सांद्रता है उनमें अंतर कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कितनी गति से संपन्न होगा। तो डिफ्यूजन की रेट माध्यम में विसरित होने वाले मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन प्रेशर के समानुपाती होती है, मतलब डिफ्यूजन की रेट डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के अनुसार होती है। मतलब किसी माध्यम में किन्हीं दो जगह पर पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है उनमें कितना अंतर है उसके ऊपर भी डिफ्यूजन डिपेंड करता है। इसके बाद ये थे डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस मतलब इसके महत्व को देखते हैं कि डिफ्यूजन का क्या महत्व है। तो अगर हम विसरण के महत्व की बात करें तो सेल्स में विभिन्न जो कंपाउंड्स होते हैं या विभिन्न यौगिक होते हैं उनके परिवहन में सहायता मिलती है या उनके परिवहन में सहायता करते हैं, जैसे ग्लूकोज का या विभिन्न जो कंपाउंड्स है वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन के द्वारा ही क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कंपाउंड के परिवहन में भी सहायता करता है। मृदा से जो जड़ की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो मिनरल्स का जो प्रवेश होता है वह डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है। वैसे ही जड़ों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वह भी डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। वैसे अगर प्लांट्स के विभिन्न भागों में अगर ट्रांसपिरेशन की हम बात करें, जैसे लीव्स के द्वारा होता है या उसके स्टेम्स की जो लेंटी सेल्स होती है उनके द्वारा होता है, तो जो वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वह भी डिफ्यूजन की प्रोसेस या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। और प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत CO2 को ग्रहण करना, O2 को निष्कासित करना, इसी प्रकार रेस्पिरेशन के अंतर्गत O2 को ग्रहण करना, CO2 को निष्कासित करना डिफ्यूजन पे आधारित ही प्रक्रिया है। तो डिफ्यूजन के महत्व की हमने बात की, क्या क्या है इसमें, विभिन्न कंपाउंड्स के परिवहन में सहायता करता है, यह मृदा से जो जड़ की कोशिका होती है उनमें मिनरल्स का प्रवेश डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है, जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वह भी डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, और प्लांट्स के विभिन्न भागों से जो वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो जल का लॉस होता है वह भी विसरण के द्वारा ही होता है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत CO2 को ग्रहण करना, O2 को निष्कासित करना, उसी प्रकार शोषण के दौरान O2 को ग्रहण करना, CO2 को निष्कासित करना डिफ्यूजन पर आधारित प्रक्रिया है। तो यह था डिफ्यूजन। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रसरण या ऑस्मोसिस। तो आज के लिए डिफ्यूजन ही पढ़ेंगे हम। अब अगले वीडियो लेक्चर के दौरान हम प्रसरण दाब को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।